नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरजाइम सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ओवरजाइम सिरप को कैसे लेना चाहिए और ओवरजाइम सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ओवरजाइम सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ओवरजाइम सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ओवरजाइम सिरप के अंदर फंगल डायस्टेस, लाइपेज और पेप्सिन एंजाइम मौजूद होते हैं, जो कि सिंथेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। हमारा शरीर भोजन को अच्छी तरह से पचाने के लिए अमाइलेज और लाइपेज जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम उत्पन्न करता है, परंतु जब किसी कारणवश हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बना पाता है, तब डॉक्टर लिक्विड सिरप की फोरम में सिंथेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम लेने की सलाह दे सकता है। ओवरजाइम सिरप शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को शरीर में अच्छी तरह से पचाने में मदद करती है। इसके अलावा ओवरजाइम सिरप भूख को भी बढ़ाने में मदद करती है, और जिन व्यक्तियों को पेट भरा भरा हुआ महसूस होता है उन व्यक्तियों के लिए भी ओवरजाइम सिरप बहुत ही फायदेमंद होती है। ओवरजाइम सिरप का उपयोग पैंक्रियाज के रोगों में, कई प्रकार के पेट के रोगों में, पेट में गैस बनने पर, बदहजमी होने पर, भूख बढ़ाने के लिए, और जिन व्यक्तियों को सीने में जलन रहने की समस्या रहती है उन व्यक्तियों को भी डॉक्टर ओवरजाइम सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि ओवरजाइम सिरप पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर पेट में गैस बनने की समस्या को कम करती है। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या ओवरजाइम सिरप वजन को बढ़ाती है या नहीं। देखिए, ओवरजाइम सिरप सीधे तौर पर वजन को नहीं बढ़ाती है। ओवरजाइम सिरप केवल आपकी भूख को बढ़ाकर और पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर वजन को बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन ओवरजाइम सिरप सीधे तौर पर वजन को नहीं बढ़ाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओवरजाइम सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। ओवरजाइम सिरप को खाना खाने के तुरंत बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ओवरजाइम 5 मिलीलीटर सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर ओवरजाइम 2.5 मिलीलीटर सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। ओवरजाइम सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको ओवरजाइम सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना ओवरजाइम सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओवरजाइम सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ओवरजाइम सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ओवरजाइम सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर रैशेस, दस्त और कब्ज की समस्या हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओवरजाइम सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ओवरजाइम सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ज्यादा खुराक में ओवरजाइम सिरप को लेने से गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है, इसलिए ओवरजाइम सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक में ही लेना चाहिए। लिवर और किडनी की कोई बीमारी होने पर ओवरजाइम सिरप की खुराक घटानी पड़ सकती है, इसलिए लिवर और किडनी की कोई बीमारी होने पर इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ओवरजाइम सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को ओवरजाइम सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं ओवरजाइम सिरप को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए
ओवरजाइम सिरप का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर ओवरजाइम सिरप को लेने की सलाह तभी देते हैं जब ओवरजाइम सिरप का देना बहुत ही जरूरी हो। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओवरजाइम सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओवरजाइम सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ओवरजाइम सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।